मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत सिलाव राजगीर रोड से धामर महादलित टोला तक निर्माण होने वाले सड़क का शिलान्यास राजगीर विधायक कौशल किशोर के द्वारा किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम के मौके पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे विधायक का ग्रामीणों ने फूलमाला पहनाकर गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। 1 किलोमीटर 150 मीटर लंबी इस सड़क के निर्माण के लिए 1,35,07,000 रुपया खर्च किए जाएंगे। सड़क निर्माण का कार्य ग्रामीण कार्य विभाग राजगीर प्रमंडल के द्वारा कराया जाएगा। राजगीर विधायक कौशल किशोर ने शिलान्यास कार्यक्रम के मौके पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरगामी सोच से बिहार का चौमुखी विकास हो रहा है। अब बिहार के गांव शहर के तर्ज पर विकसित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को एक बार फिर से हम लोग मजबूत कर देश को विकास की पथ पर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही आज हम लोगों को सर उठाकर जीने की आदत दिलाई है और हम शान से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। उन्होंने कहा कि जिस समय हम राजगीर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय इस गांव के लोगों ने अपनी समस्या से हमें अवगत कराया और लोग सड़क की मांग कर रहे थे। उनकी समस्या को हमने मुख्यमंत्री जी से बताया, इसके बाद आज इस गांव में सड़क निर्माण का शिलान्यास किया गया है। उन्होंने बताया कि लगभग 1 वर्ष के अंदर इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और गांव वालों का पक्की सड़क का सपना अब जल्द ही पूरा होगा। धूप ज्यादा है, आप विधायक जी आप लोग आए हैं, आप लोग बड़ी दिल से स्वागत किए हैं हमारे माननीय विधायक जी कौशल किशोर जी के द्वारा। यहाँ गांव के यहाँ के पंचायत समिति के सदस्य जो है बहुत प्रयास कर रहे थे, बहुत बार विधायक जी माननीय विधायक जी का स्वागत हमारे पंचायत समिति सदस्य श्रीमती रंजी भंडारी जी के द्वारा साल के द्वारा हमारे पंचायत समिति सदस्य के द्वारा भी माननीय आज धामर का सड़क का शिलान्यास था, इसी का आयोजन में हम सब आए हैं। कितने के का ये योजना है? ये 1,35,07,000 का योजना है जो एक वर्ष के अंदर ही तैयार हो जाएगा।